India's national capital region of Delhi. In this city of over 32 million people, this is the story of a free library. सभी के लिए स्पेस बनाना यहाँ पे चार साल से मतलब एक लाइब्रेरी के अंदर ही है कि चार साल से कोई मेंबर्स आ सकते हैं, चाहे वो आप छोटे हैं चाहे बड़े, कितने भी एज के, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग का हो। ऐसा कोई स्पेस जहाँ पे जाके मैं अपने थॉट्स को रख सकूँ और उन थॉट्स पे काम भी कर सकूँ। सो फ्री मीन्स जस्टिस, फ्री मीन्स हक के बाहर किसी का हक है तो वो फ्री है। सबको इन्फॉर्मेशन एक बराबर से मिलनी चाहिए, पढ़ने का हक एक बराबर से मिलना चाहिए, एक स्पेस मिलना चाहिए जहाँ पर सब इक्वली ट्रीटेड ट्रीट किए जाएं। ऐसी लाइब्रेरी जो कि कम्युनिटी की है, जो कम्युनिटी से के लिए है और जो कम्युनिटी से बनती है। What do free libraries mean for us, the people who live in India? We do not have a public library system and we do not have access to reading for all people equally. In fact, the vast majority of people do not have access to reading, which means fundamentally we're not able to be the society where ideas are shared. The Community Library Project, or TCLP, is a living example of what a free library can do for its people. The idea was to make a space that everyone could come to and that they could function as a community in supporting one another in readings. A decade ago, when TCLP opened its first library in Delhi, many doubted that it could be a space for such collective power. But we always believed it was. Today, we have three branches across Delhi with over 48,000 books and are nearly 10,000 members strong. We are determined to reach every single person in our community, especially those who have been locked out from accessing books, knowledge and information for generations. मतलब मेरा जो पूरी फैमिली है उसमें से मैं पहला इंसान हूँ जो कॉलेज जा रहा है इस टाइम पे। उससे पहले मेरे फैमिली में कभी भी कोई कॉलेज नहीं गया, तो लाइब्रेरी में वो इन्फॉर्मेशन मेरे को और मेरे को एजुकेशन देखने का एक अलग नजरिया मिला मेरे को एजुकेशन को देखने का। Our free library is a model of what a just society should look like. Free, excellent and inclusive. करिकुलम लाइब्रेरी में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाइब्रेरी हर एक उम्र के हर एक इंसान के लिए, और लाइब्रेरी का हमेशा एक इंटिमिडेटिंग स्पेस होना ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आप सिर्फ आपके हाथ में किताबें ही हैं या फिर वो ऑपरेसिव अमाउंट ऑफ साइलेंस ही है। वो एक जगह है जो हर एक उम्र के हर एक इंसान के लिए हो सकती है। तो लाइब्रेरी के जो सबसे छोटी उम्र के सदस्य हैं, 4 साल के सदस्य हैं, उनके लिए लाइब्रेरी में किस तरीके की प्रोग्रामिंग हो सकती है। रीड अलाउड्स लाइब्रेरी का एक बहुत मेजर प्रोग्राम या कल्चर कह सकते हैं, लाइब्रेरी का कल्चर है, और हम तीनों लाइब्रेरीज में दिन में दसियों रीड अलाउड्स कर रहे हैं ऑन मेंबर्स डिमांड या फिर जो प्रोग्राम्स के अंदर रीड अलाउड हो रहे हैं, और उसके बाद रीडिंग जर्नी को सेलिब्रेट करना, सच एज ऑनर रोल प्रोग्राम जिसके बारे में मैंने बताया कि जब कोई लाइब्रेरी का सदस्य 10 किताबें पढ़ लेता है तो उनका नाम ऑनर रोल में चला जाता है, और वैसे ही जब वो सर्कुलेशन के थ्रू 80 किताबों पढ़ लेते हैं या सर्कुलेशन में 80 किताबें से गुजर जाते हैं वो, तो उनको एक मौका मिलता है बुक रिपोर्ट्स लिखने का। उसी तरीके से लाइब्रेरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है रीडिंग फ्लुएंसी प्रोग्राम, जो कि 7 वीक्स का इंटरवेंशन होता है। वैसे ही एडल्ट लिटरेसी एक प्रोग्राम है लाइब्रेरी के अंदर जिसे कि बनाया जा रहा है और वो चल रहा है, जो कि 18 से बड़ी उम्र के लोगों के लिए है जिन्हें कि लिटरेचर या एजुकेशन तक पहुँच नहीं पाए या फिर उनको एक्सक्लूड किया गया है। We the library people of TCLP are showing India that libraries can change the world. If you ask us where India's readers live, we'll tell you, in the free libraries that we are building.